और सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में आउटर रिंग रोड का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। शहर की 20 लाख से ज्यादा की आबादी को इस रिंग रोड का मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में 34,700 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, आज आजमगढ़ विकास का नया अध्याय लिख रहा है। देश के विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी ने देश भर में 15 हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने 744 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से रिमोट का बटन दबाकर अमौसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 3 का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछली सरकारों ने आजमगढ़ को आपराधिक गतिविधियों का गढ़ बना दिया था, अब हो रहा है विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हुआ चौतरफा विकास, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हुआ बड़ा काम, अब हवाई चप्पल पहनने वाला कर सकेगा हवाई यात्रा। लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के उद्घाटन समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उड़ान स्कीम ने खत्म की विमान यात्रा की खाई, पीएम मोदी ने पूरी तरह से इस खाई को समाप्त किया है। लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल की लागत 3900 करोड़ रुपए है। ये टर्मिनल जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है। 3200 घरेलू और 800 इंटरनेशनल यात्री एक साथ कर सकेंगे यात्रा। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि लोग जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने। लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 6000 से अधिक लोगों को मिली नियुक्ति। लखनऊ में कायस्थ समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लखनऊ में होंगे और विकास के कार्य, जल्द ही स्वीकृत 9 फ्लाईओवरों पर काम होगा शुरू। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे। इसके पहले कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेसी नेताओं ने प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक की। गोरखपुर से प्रयागराज तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 12 मार्च को रेलवे की नई योजनाओं का प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण। 5 रेलवे मार्गों के दोहरीकरण का भी किया जाएगा लोकार्पण। कांग्रेस से निकाले जा चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जिस जहाज के कैप्टन राहुल गांधी हैं उस जहाज से सभी छलांग लगाकर भागेंगे। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशी की खबर। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाने की दी गई स्वीकृति। राज्य के खजाने पर 314 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरब से पश्चिम तक करेंगे जनसभा और रोड शो। लखनऊ के अकबरपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची एलडी और पुलिस की टीम पर किया गया पथराव। कई गाड़ियों के शीशे टूटे, अफवाह के कारण हुआ पथराव। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर का प्रथम तल इसी साल नवंबर माह तक हो जाएगा तैयार। होली के बाद काशी अयोध्या के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। सांसद साक्षी महाराज ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर किया पलटवार। कहा, ममता ने पश्चिम बंगाल का किया नुकसान, उन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की सिफारिश की। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है असर। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ा, अगले हफ्ते तक बारिश के संकेत नहीं।